सो हाई गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन जॉब अलर्ट। आप देख सकते हो हम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। हम इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है ई एंड एम ग्रेड में, ठीक है, अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर U38 UPRVUSA 2021 की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस आई है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो ये रिक्रूटमेंट आप यहां पे देख सकते हो, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। गाइज, इसका नोटिफिकेशन, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो और डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हो। सो आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हेतु अनारक्षित यानी जनरल SC ST OBC आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS एवं अन्य क्षैतिज आरक्षण श्रेणी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के समूह ग के निम्न रिक्त पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं, ठीक है। पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हो विद्युत एवं यांत्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं विद्युत के लिए। सो गाइज, मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ, क्या पता शायद कंफ्यूज वगैरह कुछ हो जाते हैं। सो विद्युत यानी इलेक्ट्रिक में वैकेंसी निकला है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी टोटल एक कुल रिक्ति 69 वैकेंसीज निकली हुई है। मैकेनिकल में 78, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल में सिर्फ 39 वैकेंसीज, कंप्यूटर में टोटल 10 वैकेंसीज और इस तरीके से टोटल 196 वैकेंसीज निकल के आ रही है। इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आज 18 मार्च आज को आज आ जाना चाहिए, बट अभी तक इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है। हो सकता है कल सुबह तक इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आ जाए, फिर मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि इसमें कौन अप्लाई कर पाएगा। वैसे तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर वाले इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, बोथ डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग वाले। अब ज़्यादा डिटेल के लिए अपन इसका ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, तभी हम बता पाएंगे कि यार इसकी पूरे फॉर्म फीस कैसे हैं, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट वगैरह क्या है। ये जस्ट एक शॉर्ट नोटिस था जो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दिया हूँ। अलर्ट मोड में रहना, जैसे ही आएगा मैं इस पर आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा या फिर अपनी वेबसाइट पे चीज़ें अपडेट कर दूंगा, तो आप हमारी वेबसाइट को भी जाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ठीक है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।